बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे आकलन कार पत्रक चार विज्ञान कक्षा सात जो कि आपको 29 तारीख को प्रोवाइड की जा रही है। और इससे पहले अगर आपने हिंदी और SST नहीं कर रखी हो तो चैनल पर अपलोड है प्लेलिस्ट 3, जाकर वहां से देख सकते हो, आपको आंसर मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन और साथ में आंसर। तो पहला क्वेश्चन है, पहले में एक क्वेश्चन है, कवक हमारे लिए किस प्रकार हानिकारक है, किन्हीं दो तरीकों की व्याख्या कीजिए, केवल दो तरीके लिखने हैं। तो पहला लिखोगे आप, नीचे आंसर लिख कर आया है, नंबर एक, कवक खाद्य पदार्थों जैसे अचार ब्रेड आदि को ख़राब कर देते हैं। दूसरा, कवक के कारण चमड़े के जूते कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं। वन क्लियर है, वन का ए बी, उपयुक्त शब्दों के साथ कथनों को पूरा करें। तो पहला है, पौधों को अपना पोषण कीड़ों से ही मिलता है। दूसरा, परजीवी पौधे का एक उदाहरण है। तो फर्स्ट में आंसर फिल करना आपको कीट भक्षी, दूसरे में अमर बेल। क्लियर आंसर भी, फर्स्ट में कीट भक्षी, दूसरे सेकंड में अमर बेल, ठीक है, फर्स्ट सेकंड हो जाएगा आपका बी। क्लियर है, ऐसे ही आप आंसर में फिल कर लेना। अगला, प्रकाश संश्लेषण सभी जीवों के अस्तित्व के लिए क्यों आवश्यक है। तो आंसर लिखोगे, सभी जीवों के लिए प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है क्योंकि सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर ही निर्भर होते हैं और प्रकाश संश्लेषण वातावरण में ऑक्सीजन का बड़ा स्रोत है जो पौधों के जरिए होता है, ठीक है ना। ये आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा, फर्स्ट का सी, ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है। तो आंसर फर्स्ट का ए बी सी क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर डी है हमारा, मृत जीवी पोषण को परिभाषित कीजिए। तो आंसर, ऐसा पोषण जिसमें जीव मृत या सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं मृत जीवी पोषण कहलाता है। क्लियर है, ये डी आंसर हो जाएगा, फर्स्ट का डी, मृत जीवी पोषण की परिभाषा हो जाएगी ये, ठीक है। अगला डी के बाद में फर्स्ट का ई क्वेश्चन है हमारा, किन्हीं दो उपयोगी कवकों के नाम लिखिए। तो आंसर लिखोगे, पहला है हमारा पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है, और दूसरा है क्लेविसेप्स पुरपुरिया, ठीक है। तो ये आपका आंसर नंबर ई हो जाएगा, फर्स्ट का ई, क्लियर है, दो उपयोगी कवकों के नाम हो जाएंगे, ये आप नोट कर लेना, ठीक है, पेनिसिलियम नोटेटम क्लेविसेप्स पुरपुरिया, ठीक है ना। अगला एफ क्वेश्चन है हमारा, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। तो आंसर लिखोगे, सभी जीवों को ऊर्जा प्राप्त करने तथा जीवन की प्रक्रिया को चालू रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, बिना भोजन के जीवन चल नहीं सकता, पॉसिबल नहीं, इंसान मर जाएगा या जीव मर जाएंगे, ठीक है, तो यही रीज़न है, इसलिए हमें भोजन की क्या होती है, आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आपका आंसर नंबर कौन हो जाएगा, फर्स्ट का एफ। अगला सेकंड पार्ट स्टार्ट है, सेकंड पार्ट में कह रहा है, स्वपोषी और विषमपोषी के बीच दो दो उदाहरणों के साथ अंतर करें यानी कि लिखें। तो इसमें आपको लिखना है, नंबर एक, स्वपोषी में जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, एक क्वांटिटी हो गया, उसे मैंने लिखा है दूसरों पर निर्भर नहीं होते, स्वपोषी कहलाते हैं, और उदाहरण भी लिख दिया जैसे पेड़ पौधे, क्लियर है, तो दो मेंशन इसमें हो गया। फिर विषमपोषी में जो अपना भोजन स्वयं ना बनाकर दूसरों पर निर्भर होते हैं विषमपोषी कहलाते हैं, जैसे मानव और जानवर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सेकंड हो जाएगा, क्लियर है, इसमें सब मेंशन हो गया। अगला थर्ड है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अनिवार्य आवश्यकताएँ और उत्पाद क्या हैं, नीचे दर्शाए गए हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण के चित्र में दिए गए बॉक्स में लिखिए। बॉक्स में लिखना है हमको जो भी अनिवार्य है, ठीक है ना, बॉक्स में लिखना है। तो बॉक्स इस प्रकार आप बना लो, या फिर मैंने आगे बना के बताया, आप वैसे भी बना लेना, ठीक है ना, एक चित्र बना लेना जैसे कि मैंने बना रखा, और ऐसे डायग्राम बना के ऐसे इसका नामांकन कर देना। तो आंसर थर्ड हो जाएगा, इधर सूर्य का प्रकाश, फिर इधर ऑक्सीजन O2 लिख सकते हो, फिर कार्बोहाइड्रेट नीचे, इधर साइड में सूर्य के प्रकाश के नीचे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और सबसे नीचे जल और खनिज, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर थर्ड, ऐसे ही बना लो, ठीक है, अच्छे से ड्रॉ करके, ये आपका आंसर नंबर थर्ड हो जाएगा। इसी के साथ आपकी असेसमेंट फॉर साइंस कंप्लीट हुई। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि इसी प्रकार के आंसर आपको मिलते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट असेसमेंट के आंसर में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।